लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। चलिए हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम सारी बड़ी खबरें। आज शासकीय महाविद्यालय नटेरन में बीएससी सीट से चालू करवाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई नटेरन ने तहसीलदार सत्यनारायण सोनी को शिक्षा मंत्री मोहन यादव के नाम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के लिए विद्यार्थी परिषद के सदस्य तथा दायित्ववान पदाधिकारी तहसील प्रांगण में पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यार्थी परिषद के नारों का उद्बोधन किया, जिसके पश्चात श्री तहसीलदार सत्यनारायण सोनी ने अपने कक्ष से बाहर आए करीब एक घंटे विद्यार्थी परिषद के द्वारा नारों का उद्बोधन पूरे तहसील प्रांगण में गूंज गया। तब जाकर तहसीलदार सत्यनारायण सोनी अपने कक्ष से बाहर आए और विद्यार्थी परिषद के ज्ञापन को सुना। ज्ञापन में विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष ऋषभ रघुवंशी ने बताया है कि शासकीय महाविद्यालय में एकमात्र सब्जेक्ट बीए है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को अन्य किसी सब्जेक्ट के लिए या तो जिला केंद्र विदिशा पर जाना पड़ता है या अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है, जिसके कारण छात्र छात्राओं की आर्थिक व समय दोनों प्रकार की हानि होती है। उन्होंने कहा कि शासकीय महाविद्यालय में बीएससी सीट से चालू होने चाहिए, जिससे कि छात्र छात्राओं का भला हो सके। विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष ऋषभ रघुवंशी, नगर प्रमुख अंकेश यादव, नगर मंत्री रोहित पंथी, नगर उपाध्यक्ष विशाल यादव, नगर शहर मंत्री प्रकाश रघुवंशी, शुभम यादव, अनिल सूर्य, कोषा अध्यक्ष नितिन कुशवाहा, विद्यालय अध्यक्ष अमन रघुवंशी, विद्यालय सह प्रमुख योगेंद्र रघुवंशी, मीडिया प्रभारी राज यादव, शहर मीडिया प्रभारी गौरव लोधी, कला मंच प्रमुख मोनू रघुवंशी, आशु रघुवंशी, राहुल रघुवंशी, छात्र से प्रमुख अमित रघुवंशी, विकास पाल, महाविद्यालय अध्यक्ष सुंदरम लोधी, महाविद्यालय से प्रमुख सौरभ कुशवाहा, कपिल कुशवाहा, छात्र प्रमुख राजा रघुवंशी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर अध्यक्ष हूँ मैं। किस विषय में ज्ञापन? आज हमने नटन कॉलेज में बीएससी सीट्स को चालू करवाने का ज्ञापन दिया, क्योंकि नटन में एकमात्र सब्जेक्ट बीए है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को स्टडी करने में दिक्कत आ रही। बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनके पास स्वयं के साधन नहीं है और वह बस से जाते हैं तथा लेट हो जाते हैं, और हमारे कॉलेज में मात्र एक सब्जेक्ट बीए है और बीएससी के छात्र बहुत सारे हैं जिन्हें या फिर बीएससी को करने के लिए विदिशा जाना पड़ता है या छात्रों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, क्योंकि अब वो बीए नहीं कर सकते बीएससी लेने के बाद। यदि आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आप क्या करोगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम यहाँ के धरना देंगे और तहसील में ताला डाल देंगे।